नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Zomato एप्लीकेशन अगर ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके फ़ोन के अंदर भी जो है Zomato एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स करेंगे, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज, सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। और गाइज, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको Zomato एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। गाइज, कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आने के बाद भी यहाँ पर अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है, प्रॉब्लम बहुत बार सामने आ जाती है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि Zomato एप्लीकेशन को अपडेट कैसे करना है। तो सिंपली गाइज, यहाँ पर आपको सर्च करना है Zomato। तो Zomato एप्लीकेशन सर्च करोगे, उसके बाद यहाँ पर Zomato एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सीधा अपडेट कर देना है। यहाँ पर ओपन की जगह अगर अपडेट आया होगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। और गाइज, अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, जाना अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर और गाइज अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइज क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन वाला सेक्शन है उसे ओपन करना है। जहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखा हुआ वो आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा मोर वाला सेटिंग, मैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन सेक्शन है इसे ओपन करता हूँ। गाइज, कई फ़ोन के अंदर क्या होता है, ऐप्स लिखा होता है, किसी के अंदर एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है और किसी के अंदर जो है एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर जो भी फोल्डर है तीनों में से कोई भी आपके फ़ोन के अंदर दिखाई दे उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इंस्टॉल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मेरे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगी वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हो, कुछ इस तरह से सभी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। अब गाइज, यहाँ पर सबसे नीचे की साइड में Zomato वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर Zomato एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइज, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर गाइज करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ से सबसे पहले क्लियर कैच कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो क्लियर डेटा लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज जो इसका क्लियर डेटा है वो यहाँ पर क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद गाइज क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर कुछ जंक फाइल या फिर कुछ भी वायरस या फिर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ से सभी जो यहाँ से डेटा जो है क्लियर हो जाएगा, उसके साथ प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, इजीली यहाँ पर आप ओपन कर पाओगे, आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप Zomato एप्लीकेशन के अंदर ओपनिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।